हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हो। जैसा कि आज आपने थंबनेल में ही टॉपिक देखा होगा, तो टॉपिक ये है कि वर्क इंडिया वीएस जॉब है, इन दोनों में कौन बेटर है। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई वर्क इंडिया ज्यादा अच्छा है या जॉब है, क्योंकि जॉब है वर्क इंडिया, इन दोनों का वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और उसी बात को इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि कौन ज्यादा बेटर है, वर्क इंडिया या फिर जॉब है, इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक जॉब का चैनल है जिस पे भी आप वीडियो देख रहे हो, इसके जॉब से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। और एक है मेरा चैनल ब्लॉग का, जिसका नाम है राहुल देखकर लव स्टोरी, 20,000+ सब्सक्राइबर है भाई। आप लोग सब्सक्राइबर देख करके सब्सक्राइब करते हो तो जान लो उस पे इससे बहुत ज्यादा है, तो उस पे भी आप लोग सपोर्ट दिखाइए। और बात किया जाए कि एक शॉर्ट्स का भी चैनल है हमारा, जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स, उसे भी आप लोग सपोर्ट करिए, उस पे भी अपना प्यार बरसाइए। तो पहली बार हो सकता है नाम सुने होंगे वर्क इंडिया है क्या क्या है वगैरह वगैरह, तो वर्क इंडिया जो है जॉब फाइंडर है पे, ठीक है। और लाइक दैट वैसे ही जो जॉब है भी जॉब ढूंढने में मदद करता हम लोगों को, ठीक है, उसका नाम ही जॉब है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा स्कैम किस पे हो रहा है, दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन है, यूज करे तो किसे यूज करे। इस वीडियो को देख करके उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं जॉब है के बारे में, या फिर वर्क इंडिया के ही बारे में पहले बताता हूँ वर्क इंडिया का डिटेल। तो वर्क इंडिया जी जॉब फाइंडर है, जैसा कि हम बता रखे हैं, इसके थ्रू आप ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं घर बैठे मुझे जॉब ढूंढना है भाई, मुझे दुकान पूछने में अच्छा नहीं लगता, शॉप टू शॉप जाकर के वैकेंसी के बारे में, इसलिए मुझे घर बैठे यही सब जानना है वैकेंसीज वगैरह के बारे में, ठीक है। तो मुझे घर बैठे ये सब जानकारी चाहिए, तो ये वर्क इंडिया को आप यूज करके आप कहीं भी हो बड़े शहर में आप इजीली आप जॉब ढूंढ लोगे, ठीक है। जहाँ वैकेंसी रहेगी आपकी नियर बाय, वहाँ मोबाइल पे आपके शो कर देगा, आपको मैसेज आ जाएगी, या फिर एक बार ऐप इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे यूज करना चालू कर लोगे। जैसे ही आप डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल बना लिया आपने अच्छा से, तो आपको इतने कॉल आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे कॉल रिसीव कर करके। कॉल आएंगे कि इसलिए कि जॉब है, इधर है वैकेंसी सर, उधर है वैकेंसी, वैकेंसी के रिलेटेड आपको कॉल्स आना चालू हो जाएगा कि सर वैकेंसी इधर खाली, आप करना चाहोगे जॉब, इधर है वैकेंसी सर, उधर है वैकेंसी, आप इंटरव्यू दे दे करके थक जाओगे। अब आप सिलेक्ट करोगे कौन सा जॉब आपके लिए बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, ये आप सिलेक्ट करोगे। तो वैसे ही जी इसमें आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, जॉब है एक बार, तो ये भी सेम यही है, इसके थ्रू भी आप घर बैठे अच्छे अच्छे जॉब ढूंढ सकते हो, अच्छी खासी सैलरी वाले जॉब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दोनों पे। पर ऐसा नहीं है भाई कि दोनों 100% जेन्युइन है, दोनों में फेक भी है और दोनों में जेन्युइन जॉब्स भी है। तो सबसे ज्यादा जेन्युइन किस में है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क इंडिया। तो भाई मैंने वर्क इंडिया को भी यूज किया, जॉब है को भी यूज किया, तो वर्क इंडिया जब मैंने यूज किया तो मुझे भी फ्रॉड मिले हैं, तो ठीक ही मिले, मतलब थोड़ा बहुत ही मिला है। बट बात किया जाए कि अगर जो 10 में से मुझे यहाँ पे 4 फ्रॉड मिले हैं, तो जॉब है पे भी 4 या 3 फ्रॉड मिले हैं, पर ऐसा नहीं है कि वर्क इंडिया से ज्यादा फ्रॉड मिला है, बराबर ही कह सकता हूँ। ज्यादा बेटर अभी कहूंगा तो जॉब है को ही कहूंगा, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा ही फिल्टर करता है जी, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा तो बेटर है। बट बहुत लोग निगेटिव कमेंट्स डालते हैं, नहीं नहीं भैया मेरे साथ तो जॉब है पे फ्रॉड हुआ, तो बहुत लोग वर्क इंडिया के बारे में भी कमेंट करते हैं, तो जिनके लिए हो सकता है बहुतों के लिए वर्क इंडिया भी बढ़िया हो। मेरे साथ जो हुआ, मैं अपनी आपको कहानी बताता हूँ, मेरे साथ ज्यादा फेक किधर मिला था, तो मेरे को ज्यादा फेक मिला था कि वर्क इंडिया पे ही। बट ऐसा नहीं कि वर्क इंडिया पे फेक हो, बहुत बढ़िया है भी ऐप है, अच्छा ऐप है ये भी, ठीक है, जॉब है भी बहुत अच्छा है, इन दोनों पे आपको फेक भी मिलेंगे जेन्युइन भी मिलेंगे। अब बात कैसे पहचानूंगा कैसे भाई, तो सबसे पहले अगर जो आपको जब कॉल आएंगी ना फेक के लिए, तो आप देखना कि बार बार वो आपको फोर्स करेंगे कि सर आप कब आ रहे हो इंटरव्यू देने, आपने बोल दिया कि कल मैं आपके पास 10:30-11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो वो आपको 10 बजे ही फोन कर देगा, आज आ रहे हो ना राहुल जी इंटरव्यू देने के लिए, तो आज आ रहे हो ना, तो बोलोगे हाँ जी मैम आ रहे हैं, फिर थोड़ा देर के बाद निकल गए सर अभी तक पहुंचे नहीं, सर कहाँ पहुंचे हो सर, मेरा लड़का आपको आकर के पिकअप कर लेगा, बता दीजिए कहाँ पहुंचे हो, वहां से आपको आकर के वो पिकअप कर लेगा आपके नियर बाई लोकेशन से, आप ये बात बता दीजिएगा सर, ठीक है आकर के वो पिकअप। तो ये सब भाई फ्रॉड की बात होती है, एक्चुअल समझ जाओ भाई, जॉब मुझे चाहिए वो जॉब दे रहा है, उसके पास तो बहुत लोग आए होंगे कि भैया मुझे भी जॉब चाहिए, इसे भी जॉब चाहिए, तो घमंड में वो रहेगा या मैं रहूंगा ये बताऊं। मैं जब जॉब दे रहा हूं तो आप ना मेरे आगे रिक्वेस्ट करोगे भाई कि जॉब दे दो, जैसे हम लोग सरकार को कहते हैं वोट नहीं देंगे आपको, आप वैकेंसी नहीं निकालते हो, जॉब नहीं निकालते हो, जॉब दीजिए सर जॉब, हम उनसे जॉब मांग रहे हैं, मतलब चौड़ में वो है, हम मांग रहे हैं सर जॉब दीजिए जॉब दीजिए, इस बात को समझ रहे हो ना। तो
तो जिसके पास जॉब है वो हमारे के लिए दिल नहीं लगाएगा, हम ही दौड़ते हुए उसके पास जाएंगे। तो देखना इस चीज़ को, अगर जो वो करता है फेक है। दूसरी बात इसमें क्या दिखेगी एक और, कि इंटरव्यू जब देने जाओगे तो इंटरव्यू ना लेकर के बहुत तरह। तो भाई सडनली आप देख रहे हो लोकेशन चेंज हो गया, तो भाई लाइन कट गई, ठीक है। बिजली के सहारे वीडियो शूट कर रहे थे, ये दिल्ली में कि हमेशा लाइन आएगी, कब जाएगी कब आएगी कोई पता नहीं, तो वही लाइन कट गई थी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। तो इंटरव्यू ना लेकर के वो तरह तरह की बातें करेंगे, सर आपको जो है HDFC में हम जॉब देने वाले हैं, आपको जो है जॉब मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जॉब मिल जाएगा सर, आपकी सैलरी बहुत बढ़िया रहेगी सर, आपको कैब की फैसिलिटी मिलेगी सर, नियर बाई आपके लोकेशन पे जॉब मिल जाएगी सर, आप जहाँ रहते हो उसी के आसपास हम जॉब दिला देंगे सर, बट इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए इतना चार्ज पे करना पड़ेगा, ये इस चीज़ के लिए आपको ये राशि, मतलब घुमा फिरा करके वो पैसा मिला है। बहुत जगह क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला अमाउंट वो 10 रुपये मांगेगा, 100 रुपये मांगेगा, 150 रुपये मांगेगा, ये अमाउंट मांगेगा ताकि आपको लगे बहुत बड़ा ये अमाउंट नहीं है दे देता हूँ, पर वो जैसे ही आपसे 10 रुपये लेगा नेक्स्ट टाइम वो 50 रुपये मांगेगा, फिर वो 100 रुपये मांगेगा, अब आप फंस चुके हो, फिर मांगेगा वो आपसे 150 रुपये, फिर वो मांगेगा 500 रुपये, आप फंस जाओगे कि क्योंकि भाई मैं इतना पैसा दे रखता हूँ और दे देता हूँ शायद मुझे जॉब मिल जाए, जिसके कारण आप उसके चंगुल में फंसते जा रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। और क्या होगा अंत में, वो आपका पैसा ही ठगेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आप कॉल लगाओगे कॉल नहीं होगा पिकअप, खामखा आपका मतलब पैसा फंसेगा। तो ये काम जो दोनों में से देखा जाए, तो मेरे साथ एक ही बार दो बार हुआ इसके थ्रू, लेकिन मेरे साथ जॉब है पे नहीं हुआ है, ठीक है ऐसा, बट वर्क इंडिया के थ्रू हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसा आपको भी बता देता हूँ, पर इतना एक मतलब एकदम ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ, मैं कॉल पे ही समझ गया था कि भाई बंदा में दम है या नहीं, भाई उस टाइम तक मेरे अंदर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आ गया था, ठीक है। तो इसके दम पे मैं समझ जाता हूँ कौन बंदा मेरे को ठगने की कोशिश कर रहा है और कौन जेन्युइन है, तो मैं समझ गया था। बट मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है, ठीक है, मेरे साथ जनकपुरी में हुआ है, तो उत्तम नगर में हुआ है, बहुत जगह मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो मैं आपको सोचा बता दूँ, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये मैं जब फेक कॉल्स जो रिसीव किया हूँ ज़्यादातर, वो मुझे वर्क इंडिया के थ्रू ज़्यादा फेक कॉल आए एज़ कम्पेयर टू जॉब है। बट देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों को भी यूज कर सकते हो, हम तो यही कहेंगे दोनों ऐप को डाउनलोड करो, दोनों पे प्रोफाइल बनाओ, दोनों की यूज करो, जिसके थ्रू आपको जल्दी जॉब मिल जाए वो यूज कीजिए, ठीक है। बट बात किया जाए दोनों बेस्ट कौन है, तो ब्रदर बेस्ट दोनों है हमारे नज़रिए से देखा जाए, बस यही एक चीज़ है कि फ्रॉड है तो वो दोनों पे है, वो पहचानना आपको। जब इतना भी आपके अंदर सेंस नहीं है तो आपको जॉब करने का कोई अधिकार नहीं है, जब इजीली आपको कोई चूतिया गाड़ जाता है, इजीली कोई ठग लेता है, मतलब आपके अंदर अभी भी शिक्षा का अभाव है, क्योंकि कोई शिक्षित बंदा को ठग पाना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि उसके पास हर एक फील्ड की नॉलेज है। क्या आप बोलोगे वहाँ जो उसके सामने कि सर आपको ये अकाउंट खुलवाएंगे, वो उसको पहले ही जानकारी होता है कौन सा अकाउंट क्या होता है क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो बहुत जगह आपको ठगने के नाम पे कहेगा डीमेट अकाउंट खुलाएंगे, तो सर आपका ये जो रिफंड हो जाएगा जो पैसा डीमेट अकाउंट खुलेगा, या फिर सर आपको चार्ज देना पड़ेगा, आपको ड्रेस मिलेगा और वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा सर, बहुत जगह कहता है सैलरी अकाउंट खुलेगा और वो पैसा रिटर्न हो जाएगी। भाई सैलरी अकाउंट के लिए तो एक भी अटर्नी नहीं लगती, ड्रेस के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, वो कह देता आप अपना ही पैसा से जा करके वो ड्रेस सिलवा लो और आइए पहन करके, जब आपका एक महीना हो जाएगा कंप्लीट तब आपकी सैलरी भी मिलेगी और उसी के साथ साथ आपका ड्रेस का भी पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा वो करेगा। ये नहीं कहेगा सर आप पैसा दीजिए आपके लिए ड्रेस लेंगे, हमें पसंद हो रेमंड क्वालिटी का, आप जो है छपरी क्वालिटी का मुझे शर्ट दोगे मैं कैसे पहन लूंगा भाई, समझ रहे हो इस बात को। तो भाई हम जब पैसा दे रहे हैं तो मुझे क्वालिटी, तो कंपनी वाले खुद कहते हैं आपको जैसा क्वालिटी पहनना पहनिए, पर कलर ये पैंट का ब्लैक या जो भी हो शर्ट का वाइट कुछ भी हो वो अपना बता देगा कोड, ऐसा रहेगा जी, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हम चूज करेंगे, तो इस चीज़ को फाइंड आउट कीजिएगा। पर बात किया जाए ज़्यादा मुझे बेटर तो लगा है अभी तक, जिसका फील बताऊँ तो मुझे जॉब है ही लगा, और बाकी अच्छा दोनों है, जिसको आप यूज करना चाहो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ऐप मेरा दुश्मन नहीं है, बट अगर जो दोनों में से किसी ऐप के कोई रिलेटेड बंदा देख रहे हो तो इम्प्लीमेंट कीजिए, मुझे मजबूरन वीडियोस बनाने क्यों पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ऐप में कुछ ना कुछ खोट है तभी ना मैं मजबूरन वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अदरवाइज देखिए बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, उधर भी शिफ्ट हो सकते हैं इंसान, फिल्टर करो कौन फेक है। कि इस वीडियो यहीं रोकना चाहेंगे, वीडियो देख करके कैसा लगा, उम्मीद करते हैं मैं जो जो कहना चाह रहा था वो समझ गए कि फ्रॉड कितने टाइप के होते हैं, और वो कॉल पे भी आप समझ जाओगे, वो अगर जो कहे आपको सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, पैन कार्ड आधार कार्ड या वोटर कार्ड या स्कूल
के कार्ड सर आपको ओरिजिनल लाने या फोटोकॉपी लाने। सबसे पहले भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पहले दिन नहीं पड़ती, जिस दिन इंटरव्यू होता है एक लड़का का नहीं होता, कम से कम कितना भी कम हो 10 लड़का का होगा, 10 लड़का का एक घंटा एक पे हम आधा घंटा भी दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो सेम डे आपका इंटरव्यू होगा, तो ऐसा नहीं कि उसी दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो नेक्स्ट डे पे ही टलेगा। तो वो अगर जो डॉक्यूमेंट कह रहा है तो चलो कॉपी कह रहा है तो चलो ले भी जाए, और अगर जो वो ओरिजिनल कह रहा है बिल्कुल ना ले जाइए। जॉब लगने के बाद भी ओरिजिनल कह रहा है लेके आने की चांस बहुत कम रखो, अगर जो कंपनी लिमिटेड है या फिर MNC है तब जाइए लेकर के, ठीक है। आप पहली बार ये सब कंपनी का नाम सुने हो तो मत ले जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस टाइम भी, जॉब लगने के बाद भी भाई कोई भरोसा नहीं है उसका, ठीक है। एक दो दिन हुआ लगा हुआ क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए, आपको कॉपीज मतलब या ओरिजिनल से मतलब ये बताइए, तो यहाँ भी फॉल्ट, ठीक है। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, और बाकी किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट कर दिया करो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। देख कर कैसा लगा बताओ जरूर, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा शेयर करना, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। अगर जो हमसे आप बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट कर सकते हो फॉलो के बाद, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए दोस्तों बाय। इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन में है।